नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की राजनीतिक घटनाओं का लेखा जोखा और उसका आगे क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है या क्या संभावना है, इस पे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, अब तो सबसे बड़ा सवाल आप आज की तारीख में तो कर्नाटक चुनाव आ गया है, और कर्नाटक चुनाव में अभी जो दिख रहा है, जो हम लोग कई बार विपक्षी पार्टियों में देखते थे और बीजेपी की तरफ भगदड़ मचती थी, लोग बीजेपी ज्वाइन करने लगते थे, इस बार वो रिवर्स हो रहा है। इस बार बीजेपी में भगदड़ नजर आ रही है, बीजेपी में बहुत क्रैक्स नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई, जो प्रधानमंत्री को खुद एक एक व्यक्ति को फोन करना पड़ रहा है, वो ईश्वरप्पा जी का फोन उन्होंने सार्वजनिक कर दिया जो प्रधानमंत्री जी ने उनको किया था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर्नाटक में अभी क्या लग रहा है प्रोफेसर? देखिए, मैंने तो कभी पिछले 9 साल से कभी नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में इतनी कमजोरी वाली स्थिति में हो। इतनी कमजोरी वाली स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में शायद थी, लेकिन वो महानगर पालिका का चुनाव था, वो विधानसभा का चुनाव नहीं था। तो कर्नाटक में भाजपा की बुरी हालत है। आप काफी नरमी का इस्तेमाल करें तो आप कह सकते हैं कि वो कमजोर विकेट पर लड़ रही है या वो काफी गंभीर लड़ाई में उलझी हुई है, लेकिन मैं इनका इस्तेमाल ना करके मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी हालत में है। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो हालत है उसका फायदा उठाकर भाजपा का आलाकमान वहां कुछ प्रयोग भी कर रहा है। उन प्रयोगों पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो पहला प्रयोग तो ये है कि वो अपना जो लिंगायत आधार है, उस लिंगायत आधार को आधार से परे जाने की कोशिश कर रहा है भाजपा अलग, क्यों कर्नाटक भाजपा के लिए दक्षिण भारत का सिंह द्वार है। कर्नाटक के जरिए भाजपा दक्षिण भारत में प्रवेश करती है, लेकिन मुश्किल भाजपा की यह है कि वो कर्नाटक पे ही जाकर रुक जाती है और कर्नाटक में भी केवल लिंगायतों पर रुक जाती है। जो कन्नड़ समाज है उसमें लिंगायतों के परे भाजपा कभी नहीं जा पाई, हालांकि जो तटवर्ती इलाका है कर्नाटक का, कोस्टल रीजन है, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने काफी काम किया है अपना हिंदुओं के बीच में, और एक हिंदू राजनीति गोलबंदी जैसी कि वो हर जगह करता है वहां भी उसने की है, और उसका लाभ भाजपा को हुआ, लेकिन उसका लाभ सबसे ज्यादा लिंगायतों के बीच में हुआ, वोक्कलिगाओं के बीच में, जो कि दूसरी सबसे बड़ी प्रभुत्वशाली जाति है कर्नाटक की, उनके बीच में भाजपा को कोई लाभ नहीं हुआ। और जो दूसरी ऊंची जातियां हैं उनकी संख्या है बहुत कम। अब है क्या कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो बड़े पैमाने पर हैं, उसके बाद दो ये प्रभुत्वशाली जातियां हैं लिंगायत और वोक्कलिगा, और उसके बाद 10-12% मुसलमान हैं, और थोड़ी सी मुट्ठी भर ऊंची जातियां हैं जिनको हम द्वित जातियां कहते हैं। तो भाजपा को हमेशा लगता है कि वो लिंगायतों में सीमित रहने के कारण येदुरप्पा जैसे लिंगायत नेताओं के ब्लैकमेल की शिकार हो जाती है। येदुरप्पा ने उन्हें कई बार ब्लैकमेल किया, इस बार भी येदुरप्पा लगभग उसको ब्लैकमेल करके ही अपने आप को अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर भाजपा नहीं चाहती येदुरप्पा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, अमित शाह का स्पष्ट उनके लिए संदेश था कि भाई वो अपने बेटे को अपनी पूरी बागडोर सौंप दे, येदुरप्पा ने ऐसा करने से इनकार किया और भाजपा को मजबूरन उन्हें इलेक्शन कमेटी में लाना पड़ा, और उसके बाद में कहने के लिए बोम्बई साहब निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव पूरा येदुरप्पा के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो इस बार जो दांव खेला गया है वो दांव खेलने में आरक्षण का जो प्रतिशत है उसके में हेर फेर करके ये दांव खेला जा रहा है। उसमें जो पसमानदा मुसलमान है उनसे आरक्षण ले लिया गया है, उन्हें EWS यानी कमजोर आर्थिक आमदनी वाले वर्ग की श्रेणी में डाल दिया गया है, और उनसे जो आरक्षण लिया गया है उस आरक्षण को वोक्कलिगाओं और लिंगायतों के बीच में उसका बंटवारा कर दिया गया है। इसके जरिए भाजपा ये चाहती है कि पुराने मैसूर में, ओल्ड मैसूर में, जहां पे भाजपा की कभी कोई पैठ बन नहीं पाई, जहां पे मुख्य लड़ाई जनता दल सेकुलर और कांग्रेस के बीच में होती थी, यानी तो वहां पर, और वहां मुसलमान वोट भी दोनों के बीच में बढ़ जाते थे, तो भाजपा चाहती है कि इस बार वहां पर घुसपैठ की जाए। और इसके लिए घुसपैठ करने के लिए उसको जो सुराग मिला है, इसका सुराग ये मिला है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जनता दल सेकुलर का वोट भारतीय जनता पार्टी में चला गया था ज्यादातर वोट, तो कांग्रेस चाहती है कि, भाजपा चाहती है कि उस वोट को अपने पास ही रखा जाए। और इस कोशिश में
उसका पूरा दांव यह है कि अगर गोखलेगांव को आरक्षण का प्रलोभन देकर उसके एक बड़े हिस्से को वो अपने साथ कायम रख पाती है, अपने साथ खींच पाती है, इससे होगा ये कि कर्नाटक की राजनीति में देवगौड़ा की दावेदारी बहुत कमजोर हो जाएगी, लगभग वो ना के बराबर बहुत ही कमजोर किस्म के खिलाड़ी भी बदल जाएंगे। लोकसभा चुनाव में जो उनकी गति हुई, भाजपा की कोशिश है कि वो विधानसभा चुनाव में वो उनकी गति बरकरार रहे। लोकसभा चुनाव में देवगौड़ा अपना इलेक्शन खुद हार गए थे, कुमार स्वामी के बेटे भी चुनाव हार गए थे, तो ऐसी बहुत बुरी स्थिति उनकी हुई थी। तो कुल मिलाकर इस चुनाव का एक नतीजा ये हो सकता है कि कांग्रेस इस चुनाव को जीत जाए, एक नतीजा ये हो सकता है कांग्रेस इस चुनाव को बहुमत से जीत जाए, भाजपा इस चुनाव में हार जाए, लेकिन हार जाने के बावजूद भी वो जनता दल सेकुलर का काफी वोट प्राप्त करके करारी टक्कर दे, अच्छे सम्मानजनक सीटों के साथ भाजपा भी उभरे और जनता दल सेकुलर की राजनीति पूरी तरीके से खात्मे की कगार पर पहुंच जाए। जी, ये इसका एक संभावित नतीजा कर्नाटक के चुनाव का हो सकता है। जी, आप प्रोफेसर एक चीज और जरा, मैं क्योंकि ये मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा लग रहा है, मोदी जी बांदीपुर बहुत मतलब वो तैयार होकर तो अच्छे से जाते हैं, उस जंगल सफारी अफारी वाली ड्रेस व्रेस हैट हेट पहन के सब गए शेर दिखाने। 9 अप्रैल के बाद ये अजीब सी चीज हो रही है कि वहां चुनाव हो रहा है, मोदी जी जा नहीं रहे, जितनी धुआंधार, ये नहीं तो चुनाव वाले राज्य में तो हर दूसरे दिन जाते थे, अब 28 को इनकी पहली मतलब नॉमिनेशन खत्म होने का पहली रैली 28 को शायद है जो अभी सुन रहे हैं, ये क्या है, ये हतोत्साह है या स्ट्रैटेजी है? नहीं नहीं, उनके मोदी जी चुनाव के मामले में कभी हतोत्साहित नहीं होते। मेरा मानना है जैसे चुनाव शब्द आता है उनकी ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है और उनकी भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है और इसके लिए हमें उन्हें पूरे नंबर देने होंगे। जी, चुनावों को इतनी गंभीरता से, इतनी गहराई से और इतने 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 संकल्प के साथ लड़ने वाले इस देश में मोदी और अमित शाह से बड़े कोई नेता नहीं है। अमित शाह की स्थिति तो ये है कि अगर वो कहीं वो पब्लिक मीटिंग करने जाते हैं और उन्हें उम्मीद है कि वहां पर पब्लिक मीटिंग में 5,000 लोग आएंगे और वहां केवल 50 लोग बैठे हुए नीचे, ऐसा नहीं है कि अमित शाह कह दें हम चुनाव इस मीटिंग को स्थगित करते हैं या इसमें हम नहीं आएंगे, वो फिर भी मंच पे जाएंगे, जो भाषण वो तय करके आए हैं वो पूरा भाषण वहां पे देंगे उसी उत्साह और जोश के साथ उन 50 आदमियों के सामने। ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। चुनाव प्रबंधन करने के मामले में भाजपा कहीं पीछे नहीं है। भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं ये यकीन है कि मोदी जी का भाषण और अमित शाह का चुनाव प्रबंधन उन्हें तमाम सारी एंटी इनकम्बेंसी से निजात दिला सकता है, परे ले जा सकता है और वो जानते हैं कि कर्नाटक के चुनाव में उनकी बुरी हालत है। इसके बावजूद भी देखिए वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि उनकी कोशिशों में कोई कमी है। मोदी जी ने अभी चुनावी मुहिम में उस तरह से आधिकारिक रूप से भाग लेना शुरू नहीं किया है, लेकिन इससे पहले कर्नाटक पे उनका काफी जोर रहा है। वो पिछले 2 महीने में कर्नाटक के कई दौरे कर चुके हैं, उनको आप चुनावी मुहिम की श्रेणी में डालें या ना डालें। अब 28 तारीख से उनकी चुनावी मुहिम शुरू होगी, वोट पड़ेगा 10 मई को, तो आप देखिए अभी 10 पूरे दिन उनके पास हैं और उन 10 पूरे दिनों में मोदी जी कर्नाटक में बहुत सी, मैं संख्या भूल गया मुझे याद थी, बहुत सी रैलियां करने वाले हैं और वो काफी परिश्रम करेंगे। मेरे ख्याल से भाजपा के आलोचकों और प्रशंसकों दोनों में से किसी को निराशा नहीं होगी कि मोदी जी ने वहां पर इतना परिश्रम किया या नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कर्नाटक का चुनाव हिमाचल प्रदेश के चुनाव की याद दिलाता है। वैसे दोनों प्रांतों में कोई समानता नहीं है, हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में पहाड़ी इलाका है और कर्नाटक दक्षिण भारत का मैदानी इलाका है। कर्नाटक बहुत बड़ा राज्य है, हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा राज्य है, लेकिन अगर आप भाजपा की दृष्टि से देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। भाजपा के मुख्यमंत्री से वहां की जनता विशेष रूप से नाराज थी। यही स्थिति कर्नाटक में है, भाजपा के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है और वहां के मुख्यमंत्री से जनता बहुत नाराज है। वहां पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ऐसा चुनाव जीत, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था ऐसा जिसको वो मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रोजेक्ट कर सके, लेकिन इसके विपरीत कर्नाटक में आप देखिए उनके पास एक बड़ा नेता है जिसको कर्नाटक में बड़े पैमाने पर मांग है कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वो है सिद्धरमैया। और उनकी एक थीसिस है अहिंदा वाली, कन्नड़ भाषा में अहिंदा शब्द है, उसका मतलब ये होता है कि वो पिछड़ी जातियों का और मुसलमानों का एक एक चुनावी मोर्चा बनाते हैं। ये उन्होंने पिछले चुनाव में भी बनाने की कोशिश की थी जो कामयाब नहीं हुए थे,
इस चुनाव में फिर से कांग्रेस ने जिस तरीके से वोट दिए टिकट दिए हैं उससे लगता है कि वो अहिंदा वाली थ्योरी पे चल रहे हैं। उधर भाजपा ने हमेशा के मुकाबले विवेकलिगाओं को बहुत ज्यादा टिकट दिए हैं, तो और जो वो प्रयोग कर रही है उसकी वजह से भाजपा में भगदड़ मची हुई है। जो पुरानी शक्तियां हैं वो बहुत बुरी तरह नाराज हैं क्योंकि लोगों के टिकट कट रहे हैं। भाजपा सोचती है इससे क्या हुआ, हो सकता है ये चुनाव हम ना जीत पाए, ज्यादा संभावना ज्यादा अंदेशा ये है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो अपने जनाधार के अंदर एक ऐसा ट्वीक कर पाएंगे, एक ऐसा परिवर्तन कर पाएंगे जिससे आने वाले चुनावों में उनको लाभ होगा और 2024 के लोकसभा चुनावों में तो उसका उन्हें बहुत लाभ होगा। भाई विधानसभा चुनाव हार जाए लेकिन लोकसभा चुनाव जीतने की वो गारंटी कर लेना चाहते हैं वहां पर। तो भाजपा इस तरीके से काफी बुद्धिमानी से चल रही है, बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत बुरी सरकार चलाई और उनकी सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है। और मोदी जी ने देखिए टेलीफोन तो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से किए थे जी, उन्होंने भी हम लोगों ने चर्चा भी की थी, यह ठीक नहीं निकला। तो कर्नाटक में भी इसका नतीजा भाजपा के पक्ष में निकलने वाला नहीं है, लेकिन भाजपा में ये खूबी तो है ही कि एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद वो जमकर चुनाव लड़ती है और कोशिश करती है कि एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव जितना हो सके उतना कम कर दिया जाए। चुनाव हारे भी तो बुरी तरह ना हारे। जी 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 साहब, एक चीज और, हम लोगों ने पिछले उसमें बहुत डिटेल में बात की थी, सतपाल मलिक साहब ने जो आरोप लगाए थे और सीधे सीधे आरोप थे, दो तीन प्रश्न एक साथ मैं पूछ ले रहा हूं क्योंकि सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। पुलवामा वाली बात अभी भी लोग पूछ रहे हैं और उसके बाद जो सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष थे शंकर राय चौधरी साहब, उन्होंने भी उस पर बात उठाई है। दूसरी बात हुई है कि अब सीबीआई की तरफ से फिर उनसे कहा गया है कि भाई अक्टूबर में बुलाया गया था, फिर उनसे कुछ लोग उसको भी उससे जोड़ रहे हैं। और तीसरा एक जो सबसे बड़ी बात हुई है, उत्तर प्रदेश में जो माफिया एक अतीक और अशरफ थे उनकी हत्या होती है और बहुत से लोग, और वो हत्या प्रायोजित है, किसने प्रायोजन किया यह अभी पता नहीं है, लेकिन वो हत्या बिल्कुल साफ साफ प्रायोजित है, उसमें कहीं कुछ सोचना नहीं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि सतपाल मलिक जी के जो भी आरोप है उसको ठंडा करने के लिए या उसको उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए अतीक और अशरफ वाला मामला हुआ है। ये थोड़ा ये सारी चीजें मिली जुली है, लेकिन सतपाल मलिक के जो आरोप हैं उनका दायरा उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो यूपी स्पेसिफिक आरोप नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना होती है तो उसका सतपाल मलिक के आरोप उससे कमजोर हो जाएंगे या उनका प्रभाव कम हो जाएगा, ये मानना उचित नहीं है। ये मेरे विश्लेषण, कम से कम मेरा विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क है, उसमें ये बात फिट नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सतपाल मलिक ने जो पुलवामा और बालाकोट को लेकर जो बातें कही हैं वो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे और आप जैसे लोग तो इन बातों को तभी से कहते आ रहे हैं जब ये घटनाक्रम हुआ था जी। हम लोग तो हमेशा से कह रहे आ रहे थे कि भाई इस मामले को जिस तरीके चुनावी रूप से भुनाया गया है, और जब चुनावी रूप से किसी चीज को भुनाया जाता है तो बहुत सारी खामोशियां आरोपित की जाती हैं। जैसे सतपाल मलिक को खामोश किया गया, उनसे कहा गया कि आप चुप रहिए, क्योंकि उस वक्त अजीत डोभाल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलके इस पुलवामा वाले मसले का लोकसभा चुनाव में कैसे लाभ लिया जाए इसकी योजना बना रहे थे। देखिए उस वक्त सीआरपीएफ के लोगों को ले जाने के लिए हवाई जहाज नहीं दिए गए, अगर हवाई जहाज दिए जाते तो इस तरह की घटना नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद में इस घटना के बाद में हवाई जहाज से उनको लाने ले जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन पिछले दिनों फिर से इजाजत वो वापस ले ली गई है। अब फिर से इजाजत जो वापस ले ली गई है उसमें बहुत से लोग शक कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। अब देखिए कश्मीर में जिस तरीके से अभी आतंकवादियों ने एक फौजी ट्रक के ऊपर हमला किया है और लोग मारे गए हैं, सीन बनने लगा है जी, हाटें आने लगी हैं जी जी, मतलब ये सामने साफ दिखाई पड़ता, पता नहीं इसका अंत क्या होगा जी। आज ये है कि जब पुलवामा हुआ था उस वक्त कश्मीर में धारा 370 लागू थी, आज तो धारा 370 का वो वाला पहलू लागू नहीं है, आज तो सब सारी बागडोर जो है केंद्र सरकार के हाथ में है। एक तरह से केंद्र सरकार ही कश्मीर की 100% शासक है, कश्मीर एक राज्य भी नहीं रहा। तो अब अगर कश्मीर में उस तरह की घटना होती है या उस बड़े पैमाने पर घटना होती है तो केंद्र सरकार के लिए शायद उसको पचाना और उसका चुनाव में इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं होगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी की इस बार रणनीति भ्रष्टाचार के मसले पर विपक्ष को पराजित करने की है जी। इसीलिए वो भ्रष्टाचार के सवाल पर बार बार हर भाषण में, कल उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार नीति बदल रही है
तो नीति बदलने से पैसा कमाने की अगर उसकी कोशिश है, चुनावी फंड जनरेट करने की कोशिश है, तो उसके ऊपर आपको निगाह रखनी चाहिए। तो भाजपा को छोड़ के हर व्यक्ति के ऊपर ब्यूरोक्रेसी की निगाह होनी चाहिए, भाजपा को छोड़ के सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हर दूसरी पार्टी के ऊपर निगाह होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने संदेश बार बार अपने भाषणों में साफ तौर पर दिया है। तो सत्यपाल मलिक ने जो कहा है वो तो बहुत ही संगीन है, और वो तमाम बातें कहते थे। उनका सबसे जो चतुर वाक्य है उनका, जो मैंने आपके साथ बातचीत में भी कहा था, चतुर वाक्य ये है कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं, उन्हीं के शब्द, इनको इन्वर्टेड कॉमास में भी रख सकते हैं, खास नफरत नहीं, यानी वो चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से नफरत है लेकिन खास नफरत नहीं, ये नहीं कहा भ्रष्टाचार से प्रेम है। तो उन्होंने एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और उन्होंने सोच समझ के बड़े हिसाब से अपना वक्तव्य दिया है। दूसरे अमित शाह के जरिए उन्होंने जो बात कही थी, अमित शाह के मुंह से जो उन्होंने बात कहलवाई थी, इस आदमी की नकल मारी गई है, उस बयान को उन्होंने वापस भी ले लिया है। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहते इससे अमित शाह की कोई हेटी हो जी। और वो अपने पूरे बयान में अमित शाह और मोदी को एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हुए भी दिखाते हैं। जैसे अगर वो कोई शिकायत करते हैं तो उससे मोदी उनके कथनानुसार कोई कार्रवाई नहीं करते, अमित शाह उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, अमित शाह की प्रशंसा करते हैं और मोदी को थोड़ा सा तिरस्कार के साथ देखते हैं। तो ये तो सत्यपाल मलिक की अपनी राजनीति है, उस वक्तव्य की, जो कि बहुत ही होशियार राजनीति है। मैं कहूंगा, मैं उस मामले में उनकी तारीफ करूंगा, ये सारे शब्द मैं उनकी आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं समझता हूं हर राजनेता को इसी तरीके से कुशल होना चाहिए। मैंने उस इंटरव्यू को बहुत ध्यान से देखा और मैंने पाया कि कितनी तसल्ली के साथ में, छोटे छोटे वाक्यों में, बिना भड़के हुए, बिना उत्तेजित हुए अपनी बात को कह रहे हैं। इसका मतलब काफी सोच समझ के तैयारी करके वो इंटरव्यू लिया गया है, उसी तैयारी के साथ वो इंटरव्यू दिया गया जी। प्रोफेसर साहब, एक क्योंकि हम लोग इसके अलग अलग आयाम देख रहे हैं, अतीत वाली एक बात और पूछी, उसके बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी। देखिए, ये अतीत का जो पूरा मामला हुआ है, ये एक बड़ी विडंबना है। और अतीक, उससे पहले अतीक के बेटे और उसके साथी शूटर की का पुलिस एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद में ये तथाकथित रूप से तीन ऐसे लोगों ने मारा जो कि पुलिस वाले नहीं है, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, लवलेश तिवारी और सनी वगैरह, इन लोगों ने मारा, जय श्री राम के उन्होंने नारे भी लगाए। अगर आप इसको मौजूदा परिप्रेक्ष्य से पीछे ले जाएं, इतिहास में पीछे ले जाएं, तो आप पाएंगे कि अपराधियों को जो शूट करता है, यानी चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे वो गैर पुलिस वाला हो, वो भी समाज की निगाह में हीरो होता है। और जो अपराधी शूट किया गया है, जो मारा गया है, वो पहले से ही अपने समुदाय का हीरो होता है। आप देखिए ना, अभी अतीक के लिए बिहार में नारे लग गए अतीक के पक्ष में, टीवी पे दिखाए गए 10-5 लोग, 15-20 लोग ईदगाह से नमाज के बाद निकले थे और उसके बाद उन्होंने उनके पक्ष में नारे लगाने शुरू कर दिए। ये तो क्या बिहार में बात रही, लेकिन जाहिर है कि जो व्यक्ति पांच बार एमएलए रहा हो, एमपी भी रहा हो, फूलपुर से एमपी रहा हो, उस व्यक्ति का सामाजिक असर रसूख तो बहुत रहा होगा। तो जो मारा जा रहा है वो भी हीरो है, और जो मार रहा है वो भी जनता की निगाह में हीरो है। तो दोनों, दरअसल ये दो अलग अलग तरह के नायकों का उत्पादन किया है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, जो 60 के दशक से ही हमारे सामने एक एक करके विभिन्न घटनाओं में, लेकिन सब घटनाओं में एक समानता है, एक तरह का नायक दूसरे तरह के नायक को मारता है। और समाज में दोनों की तारीफ करने वाले लोग मौजूद हैं। आप सोचिए कि हमारे समाज की क्या स्थिति है, और समाज और कानून के रिश्ते की क्या स्थिति है। जी, प्रोफेसर साहब, एक और चीज जो थोड़ा बहुत से दर्शकों को और सबको एक आंसर नहीं मिला, शरद पवार साहब का कुछ अजीब सा हो गया, वो कभी एनडीटीवी पे आके वो देते हैं, फिर वो विड्रॉ करते हैं, वो कहते हैं, फिर अडानी जी उनके यहां चले जाते हैं और 2 घंटा बैठ के बात करते हैं। 2 घंटा तो लंबी बातचीत होती गुल्लू। अच्छा, आने भी समझ में नहीं आ रहा था, अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं इसलिए कह दूं कि अगर बात करनी थी तो आदमी आजकल फोन पे बात कर सकता है, किसी भी बात, लेकिन वो एक मैसेज भी देना चाहते हैं सब जगह की, जो भी, कि भाई हम 2 घंटा बैठ के बात। फिर अजीत पवार उसी बात पे आ रहा था। पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये शरद पवार के मोर्चे पे क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा है। दरअसल शरद पवार की महाराष्ट्र में राजनीति सांसद में फंस गई है।
यानी उनकी जो भी पार्टी है और उनके जो लेफ्टिनेंट है, सबसे बड़े लेफ्टिनेंट तो उनकी अजीत पवार है, और अजीत पवार का पहले भी रिकॉर्ड है, पहले भी वो शरद पवार से अलग होते हुए एक बार दिखे थे। तो हो सकता है कि शरद पवार को लगा हो कि अगर हमने अदाणी वाले मसले पर अपने अपने पत्ते ठीक से नहीं खेले तो हमारी राजनीति के ऊपर कोई जबरदस्त भाजपा की तरफ से प्रहार होगा, हमारे संगठन के ऊपर, और वो एक ऐसा प्रहार होगा। देखिए आखिरकार तो जो एनसीपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी तो छोटी सी है और महाराष्ट्र आधारित पार्टी है। अब तो उसका राष्ट्रीय पार्टी का वो भी स्तर भी छिन गया है उसका, तो उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, अपनी प्रतिष्ठा है, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत ही होशियार नेता हैं, चतुर हैं, ये सब बात है। लेकिन अब वो पहले की तरह उस तरह से महाराष्ट्र के छोड़ दिया जाए तो किंग मेकर वाली हैसियत उनकी है नहीं, और महाराष्ट्र में भी अगर भाजपा उनकी पार्टी को तोड़कर किंग मेकर वाली प्रधान मुख्यमंत्री के स्तर पर किंग मेकर वाली हैसियत उनकी छीन ले तो दरअसल उनकी राजनीति मोटे तौर पर वहां पर खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी, वैसे भी वो जिंदगी के अपने आखिरी दौर में। जहां तक अदाणी के उनसे मिलने का सवाल है, आप कल्पना कीजिए कि 2 घंटे अदाणी की उनसे बातचीत हो रही है, जरा सोचिए किस किन प्रश्नों पर बातचीत हुई होगी। भाई अदाणी ने उनसे अपने शेयरों को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में तो बातचीत नहीं की होगी, अदाणी ने उनसे इस बारे में बातचीत नहीं की होगी कि वो अपना कर्जा कैसे उतारे, अदाणी ने यह भी बातचीत नहीं होगी कि विदेशों में वो कैसे कोई नई खान या कोई नई चीज प्राप्त करें, अदाणी ने उनसे इस बारे में भी बातचीत नहीं की होगी कि वो कैसे वो कोई नया एयरपोर्ट और कोई नई संपत्ति कैसे अर्जित करें, ये सब बातें तो नहीं की होंगी अदाणी ने। मेरा मानना है कि 2 घंटे में उनके बीच में सिर्फ राजनीतिक बात हुई जी, और उस राजनीतिक बात में ये सब पहलू भी होंगे जिनका हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक मुलाकात है। और अदाणी एक बड़े पूंजीपति के तौर पर जिनका भारत में बहुत बड़ा रसूख है और दुनिया के पैमाने पर भी जिनका नाम हो चुका है, न केवल सबसे अमीर लोगों में बल्कि अब जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद तो कई दृष्टिकोणों कई नजरियों से देखें उनका दुनिया में नाम, दुनिया बच्चा बच्चा उनका जान नाम जानता है अदाणी का, भले ही भारत के अन्य पूंजीपतियों का नाम इतना लोगों को ध्यान ना हो, अदाणी के नाम अब कौन भूल सकता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद। तो वो पूरी तरीके से भारतीय राजनीति की देन है अदाणी, हर पूंजीपति राजनीति की देन होता है, लेकिन उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो अदाणी राजनीति की जैन देन बहुत उससे कहीं बहुत ज्यादा है। दोनों के बीच पूरी तरह राजनीतिक चर्चा हुई होगी और ये और उस राजनीतिक चर्चा से खुद शरद पवार का दिमाग भी काफी साफ हुआ होगा कि हम किस समस्या में फंसे हुए जी। और मुझे तो बहुत स्पष्ट है कि जितना मैं रीड कर सकता हूं कि अब शरद पवार जी के ऊपर कोई बेसिक नहीं आएगा, क्योंकि अडानी को भी ये मैसेज देना है कि देखो अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारा, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे भतीजे, तुम्हारे इनका अब कुछ नहीं होगा, वो ये मैसेज भी देंगे बाकी लोगों को। मैं प्रोफेसर साहब एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है इसलिए अंतिम में रखा। परसों 2 निर्णय आए गुजरात से और दोनों गुजरात से संबंधित हैं। पहला निर्णय आया राहुल गांधी की जो एक पिटीशन थी कि कन्विक्शन को खत्म वो किया जाए, वो खारिज की गई। अब वो रेगुलर केस चलेगा, वो 3 मई को उसकी डेट लगी है, वो खारिज की गई। और उसी दिन एक स्पेशल कोर्ट जो बनाई गई थी फॉर अ स्पीडी ट्रायल, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है, बार बार कहा जा रहा है फॉर अ स्पीडी ट्रायल, 2002 के मुकदमों का स्पीडी ट्रायल 20-21 साल बाद 67 जो दोषी थे सबको अक्विटल मिल गया, सब लोग बरी हो गए। वो जो 11 लोग नरोदा गांव में जलाए गए थे उनको, उसमें सबको बरी कर दिया गया। और दोनों चीजें, तो इसको कुछ लोग गुजरात मॉडल भी बोल रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस है या जुडिशरी। मैं इस पे दोनों चीजों पे, क्योंकि ये रिलेटेड चीजें हैं, आपसे जरा समझना चाहूंगा। देखिए ये जो ये माया कोडनानी वाला मसला है, इसके ऊपर जो फैसला आया है, आप देखिए इस फैसले को केवल गुजरात मॉडल से जोड़ने की जरूरत नहीं है, राम जन्मभूमि आंदोलन से संबंधित या हिंदुत्व की राजनीति का जो हिंसक रूप है, हिंसक और विध्वंसकारी रूप है, उससे संबंधित जितने भी मुकदमे हुए हैं, किसी मुकदमे में मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कोई खास सजा हुई। राम अडवाणी वगैरह जो राम जन्म बाबरी मस्जिद तोड़ने के बारे में जितने मुकदमे थे सारे के सारे छूट गए। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो मुकदमे लगे हुए थे वो भी हिंदुत्ववादी राजनीति तो उस तरह की भाषा बोलने से संबंधित थे और कई तरह के मुकदमे थे, उन सारे मुकदमों को सरकार ने वापस ही ले लिया। गुजरात में भी सारे मुकदमे धीरे धीरे करके छूटते जा रहे हैं और खत्म हो जाएंगे सारे मुकदमे।
तो ये एक ऐसी स्थिति है, इसका सीधा मतलब यह है कि जो हिंदुत्ववादी राजनीति के जरिए कानून का जहां जहां उल्लंघन हुआ है और जहां जहां संगीन किस्म के अपराध हुए हैं या अपराधों के आरोप हैं संगीन किस्म के, वो उनको उनसे धीरे धीरे ये राजनीति पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लेना चाहती है। जब अदालतों में कोई मामला नहीं रह जाएगा और थोड़ा बहुत समय हो जाएगा तो धीरे धीरे लोगों की स्मृतियों से वो चीज निकल जाएगी और फिर वो सरकार में है। वो अब उस वक्त की बात तो रही नहीं जब वो सरकार में नहीं थे और उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जा सकते थे और उनको उनकी सरकारें भंग की जा सकती थी या उनको अदालतों में खींचा जा सकता था। अब तो आप इसी से अंदाज लगाइए कि दिल्ली में महानगर पालिका के चुनावों में उन लोगों जिनको भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप थे, लेकिन कोई मुकदमा नहीं था, कोई छापा नहीं था, कुछ नहीं था। कर्नाटक में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप है, लेकिन कोई मुकदमा नहीं है, कोई जांच पड़ताल नहीं है, कोई छापा नहीं। बाकी सभी लोग भ्रष्ट हैं, सभी के ऊपर जांच पड़ताल है, छापे हैं, मुकदमे हैं, गिरफ्तारियां हैं और उनको जमानतें भी नहीं मिल रही। तो ये बिल्कुल पैटर्न पूरी तरीके से साफ है। इसको केवल गुजरात गवर्नेंस में सीमित करने का नहीं, ये एक नेशनल पैटर्न, ये एक राष्ट्रीय पैटर्न है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो कानून उसके और उसके लोग कानूनी सरकारी एजेंसियों और कानून की पकड़, कानून के हाथ लंबे हैं लेकिन इतने लंबे नहीं है कि भाजपा तक पहुंच जाए। और इसमें राहुल गांधी वाला भी थोड़ा एक उस पर भी एक टिप्पणी हो जाती, जो राहुल गांधी क्योंकि उनके लिए हार है ही नहीं, वो अगर सजा होगी तब भी वो खुश हैं, सजा नहीं होगी तब भी वो तो दोनों, मतलब राहुल गांधी की के ऊपर जो फैसला हुआ है उस फैसले से बहुत से लोग मतलब उसका शुरू में निकाला था कि अब वो जेल चले जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। उनका जो सेंटेंस है, उनकी सजा है, वो तो मुलतवी पहले ही की जा चुकी है। उसको उस तरह का स्टे नहीं प्राप्त हुआ है जिसकी वजह से अपनी सांसदी दोबारा वो प्राप्त कर सके। तो सांसदी दोबारा प्राप्त करने की अपील उनकी बड़े बड़े कोर्ट में जाना होगा उन्हें और वहां करना होगा। मेरा मानना यह है कि जैसे जैसे वो बड़ी अदालतों में जाएंगे उनको राहतें मिलती चली जाएंगी और ये इस मामले में कोई कानूनी दिक्कत उनके सामने नहीं होगी और राहुल गांधी जेल से बाहर भी रहेंगे और कांग्रेस का काम भी करेंगे और धीरे धीरे करके, और अब दोबारा उन्हें सांसदी प्राप्त हो इसका कोई बहुत प्रासंगिकता नहीं रह गई, उसकी उन्हें कोई चिंता भी नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि इस मसले में कांग्रेस को जो हमदर्दी मिल रही थी और राहुल गांधी को जो हमदर्दी मिल रही थी, चूंकि लंबी कानूनी लड़ाई में मसला चला गया है, तो अब उस तरह की हमदर्दी जब कोई चीज लंबी कानूनी लड़ाई में चली जाती है तो राजनीति पे उसका प्रभाव पड़ना कम हो जाता है। भाजपा अभी भी ओबीसी का मसला उठाकर इसको कोशिश कर रही है कि इससे कोई फायदा उठा ले, भाजपा को भी इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है और कांग्रेस को भी इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो अब ये कानूनी मुद्दा है, खबर बनती रहेगी राहुल गांधी के पक्ष में या विपक्ष में जो फैसला होगा, कोई बयानबाजी होती रहेगी, लेकिन इससे ये माना जाए कि राहुल गांधी और कांग्रेस की लोकप्रियता अचानक बढ़ जाएगी या भाजपा इससे ओबीसी वोट ज्यादा ले जाएगी, मुझे इसके ऊपर शक है। जी चलते चलते एक प्रोफेसर साहब एक और ऐसी बात जिसमें भारत ने बहुत मतलब बड़ी एक लैंडमार्क चीज हुई है कि भारत अब मई में दुनिया का नंबर एक देश हो जाएगा पॉपुलेशन में, हम लोग पॉपुलेशन के मामले में एक नंबर हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी मेरे ख्याल में एड आना शुरू हो जाएंगे अगले महीने, जो एक भाई बड़ा भारी ये हमारी मोदी सरकार की अचीवमेंट है कि उन्होंने देश को दुनिया का नंबर एक बना दिया जनसंख्या के मामले में, ऐसा लगता है। क्योंकि जितना इवेंट करते हैं हर चीज का, उसमें शायद इसका इवेंट भी कुछ ना कुछ होगा जरूर। ये तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि चीन हमसे पहले पॉपुलेशन में आगे था तो चीन उत्पादन में और मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे निकल गया, अब हम पॉपुलेशन में आगे हैं तो अब हम चीन से आगे निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। तर्क है, कोई भी व्यक्ति जब इसको पढ़ता है तो साधारण व्यक्ति भी इस तर्क के पोलेपन को समझ सकता है। चीन ने और दूसरे क्षेत्रों में जो काम किया है, केवल उनके पास काम करने वाले हाथ ज्यादा हैं, इसलिए चीन की इतनी प्रगति नहीं हुई थी और इसलिए भारत की कोई प्रगति नहीं होने वाली है कि उनके पास काम करने के लिए हाथ ज्यादा हैं। ये आबादी वरदान भी बन सकती है और ये बोझ भी बन सकती है, अभिशाप भी बन सकती है। भारत में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें मुझे शक है कि ये आबादी वरदान नहीं बन पाएगी और इसके नुकसान ही ज्यादा होने वाले। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच।